हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं लिप बाम्स। तो एक एक करके मैं आपको सारे लिप बाम्स बताने वाली हूँ जो मस्ट हैव होने चाहिए आपके पास, जो बेस्ट है। फर्स्ट वाला है ये लैक्मे का लिप लव लिप केयर बाम, जो जो मैंने परचेज़ किया था 150 रुपीज़ में। ये बहुत अच्छा है अगर आपको मॉइस्चराइजेशन चाहिए तो। इसमें कलर्स भी आते हैं लेकिन मैंने सिर्फ ये वाइट वाला परचेज़ किया है जो प्लेन होता है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत फ्रूटी है एंड मॉइस्चराइजेशन बहुत काफ़ी आज तक रखता है, ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है। सेकेंड वाला लिप बाम है ये अफोर्डेबल बोरो प्लस का, ये 10 रुपीज़ में परचेज़ किया है। और इसे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी यूज़ किया है। मोस्टली मैं इसे एज ए फुट क्रीम यूज़ करती हूँ लेकिन आप इसे एज ए लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। कभी कभी मैं लिप्स पर भी यूज़ कर देती हूँ और ये सिर्फ 10 रुपीज़ में आता है। ये ज़्यादा केमिकल्स नहीं है इसमें तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। ये हर्बल है और ये एंटीसेप्टिक भी है। सो ये वाला जो है ये 10 रुपीज़ का है, ये वाला 150 का है। नेक्स्ट ये है ब्लू हेवन का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। ये मैंने परचेज़ किया था यस 20 रुपीज़ में, मुझे इतना याद नहीं है बिकॉज इसमें प्राइस भी नहीं है और इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल टिंटेड नहीं है, सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा रेड है और हल्का सा रेडनेस दिखता है लेकिन ये ज़्यादा टिंटेड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेडिश होता है ये, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस है। नेक्स्ट वाला है ये VLCC का लिप बाम जो मैंने परचेज़ किया था सिर्फ 10 रुपीज़ में। ये भी बिल्कुल ब्लू हेवन के जैसा ही है, ये भी रेड कलर में आता है लेकिन ये टिंटेड नहीं होता है। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज की तरह है, बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस है। इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन की हुई है जिसमें ज़्यादा कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए हैं। लिक्विड पैराफिन है लेकिन इसमें, और वैक्स है, बाकी सब ऑलिव ऑयल, आलमंड फ्रूट ऑयल, आर्गन ऑयल, ये सब है। तो 10 रुपीज़ में काफ़ी अफोर्डेबल है ये एंड बहुत क्यूट भी है। नेक्स्ट है हिमालया का ये लिप बाम जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। ये मैंने परचेज़ किया था 30 रुपीज़ में। ये बिल्कुल हर्बल है, कोई भी केमिकल्स नहीं है इसमें। तो अगर आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट देखना चाहते हैं और अफोर्डेबल रेंज में देखना चाहते हैं तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये टिंटेड नहीं होता है, एकदम वाइट है बिल्कुल। इसकी फ्रेग्रेंस एकदम बबल गम के जैसी है बिल्कुल। 10 ग्राम में आता है एंड वीट जम कैरेट सीड ऑयल होता है इसमें। ये बहुत ही अच्छा है, हर्बल है और अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट है बेबी लिप्स मेबेलिन का। फ्रेंड्स, अगर आप कोई टिंटेड लिप बाम देख रहे हैं जो एक लिपस्टिक के जैसा वर्क करे तो ये बहुत अच्छा है। अब मैंने इसे ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, थोड़ा सा ही बचा है। और इसका जो टिंट है वो ये है, रेडिश है थोड़ा, बहुत प्यारा सा टिंट है ये। एंड इसकी एक बात है कि ये लगाने के बाद एक कोल्डनेस फील होता है लिप्स पे, जैसे कूल सेंसेशन होता है। तो अगर आपको वैसा सेंसेशन पसंद नहीं है तो आप इसके साथ ना जाए। बाकी बहुत ही अच्छा है। और ये शेड है विविड पीच, ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, ये 150 का लिया था मैंने। और ये भी बहुत अच्छा है अगर आप कोई टिंटेड ऑप्शन देख रहे हैं तो। इसमें अलग कलर्स भी आते हैं तो आप उसी तरीके से ख़रीद सकते हैं जो कलर आपको चाहिए। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इन सारे लिप बाम्स जिसकी लिंक अवेलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कीजिए। नेक्स्ट है ये मेबेलिन का बेबी लिप्स लिप बाम। ये वाला मैंने परचेज़ किया था 175 रुपीज़ में एंड ये है मैनहट्टन इन द शेड मैनहट्टन मौवा। और ये इस कलर में आता है, बहुत ही हाईली टिंटेड है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये इस कलर का है, बहुत ग्लॉसी है एंड बहुत मॉइस्चराइजिंग भी है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत क्यूट है ये कलर। ये मैंने 175 रुपीज़ में परचेज़ किया था। इसके पैकेजिंग पे इंग्रेडिएंट मेंशन किए थे लेकिन करंटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बेबी लिप्स जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत फेमस है लिप बाम्स में। आप अलग अलग शेड्स परचेज़ कर सकते हैं इसके। तो अगर आपको ये वाला शेड पसंद आया है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसमें और हाईलाइन वाइन और अलग कलर के शेड्स आते हैं, हाईलाइन वाइन भी बहुत अच्छा है। तो ये थे मेरे सारे कलेक्शन लिप बाम्स के। बेसिकली मैं इन सारे लिप बाम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छे हैं। बोरो प्लस जो है नॉर्मल सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि विंटर्स में स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे लिप बाम्स है, पर्सनली ये वाला भी बहुत अच्छा है। तो गाइज़, अगर आपको ये लिप बाम्स परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी लिंक मिले तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।